175, New York. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here, two of them. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्टडी में। आज हम एक हमले पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 9/11 आतंकी हमले की। इस हमले में करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। ये हमला अलकायदा द्वारा किया गया था जो कि आज के समय में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस हमले ने अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इसलिए इस हमले को खतरनाक हमलों में गिना जाता है। 9/11 का मतलब 11 सितंबर है। जिस प्रकार हम भारतीय काउंट करते हैं तो इसका मतलब 9 नवंबर बनेगा, बट अमेरिका में महीना पहले गिना जाता है और तारीख बाद में, इसलिए 9/11 का मतलब 11 सितंबर हुआ। ये हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। इस दिन को शायद ही कोई भूला होगा। इसी दिन दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका पर हमला हुआ था, जिसे आज हम 9/11 आतंकी हमले के नाम से जानते हैं। सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक कर लिए थे। उनका मकसद विमान को अलग अलग ऐतिहासिक स्थानों पर क्रैश करना था। पहले तो विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिसके कारण विमान में सवार सभी लोग तथा बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी के बाहर अर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा दिया। चौथे विमान को वाशिंगटन डीसी की ओर टारगेट किया गया, बट विमान में सवार यात्रियों तथा चालक द्वारा विमान का नियंत्रण हटने के कारण विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर क्रैश हो गया, बट इस विमान में कोई भी जीवित नहीं बचा। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें फायर फाइटर्स और 400 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। सभी इमारतें 2 घंटों में मलबे में तब्दील हो गई। मरने वालों में 57 देशों के लोग शामिल थे। कुल मिलाकर लगभग 3000 लोगों की मौत हुई, बट मरने वालों में शवों में 291 शव ही ऐसे थे जिनकी ठीक से पहचान हो सकी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ध्वस्त इमारतों की जगह नई इमारतों का निर्माण किया गया। इस हमले के पीछे अलकायदा के प्रमुख असामा बिन लादेन का हाथ था, बट बाद में अमेरिका ने इसका बदला ले लिया। बट ये हमला 10 साल बाद लिया गया था। अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में असामा बिन लादेन को मार गिराया और 13 सालों के बाद नई इमारतों को खोल दिया गया और पेंटागन को हुए नुकसान को 1 साल में साफ करके उनकी मरम्मत की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ध्वस्त इमारतों की जगह 104 मंजिया इमारत बनाई गई। इसका नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया गया। दोस्तों, ये थी 9/11 आतंकी हमले की पूरी कहानी। आई होप आपको 9/11 के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो में।